मेरे साथ इंग्लिश बोलो वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज़ में आपको वेलकम कहता हूँ। आज के वीडियो ट्यूटोरियल में हम इंग्लिश के ए से शुरू होने वाले वर्ड्स के मीनिंग को समझेंगे उर्दू में और हिंदी में, फिर उन वर्ड्स को यूज़ करते हुए इंग्लिश में सेंटेंसेस बनाएंगे, उनकी ट्रांसलेशन को समझेंगे और फिर मैं आपको कहूँगा कि आप मेरे साथ उस सेंटेंस की इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस करें। तो शुरू करते हैं जी अपना आज का आई फैक्टनर का वीडियो ट्यूटोरियल। वर्ड है एडवांस, मीनिंग है अग्रिम, पेशगी, आगे बढ़ना। एग्जाम्पल सेंटेंसेस, वी आर एडवांसिंग टूवर्ड्स आवर ऑब्जेक्टिव। हम अपने ऑब्जेक्टिव की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। आई नीड एन एडवांस मंथली सैलरी, मुझे एक महीने की पेशगी अग्रिम तनख्वाह चाहिए है। वी शुड ट्राई टू कीप अप विद द एडवांसिंग टेक्नोलॉजी, हमें आगे बढ़ती हुई टेक्नोलॉजी के साथ साथ रहने की कोशिश करनी चाहिए। चलिए एक दफ़ा मेरे साथ अब बोलें, वी आर एडवांसिंग टूवर्ड्स आवर ऑब्जेक्टिव। बोलें, आई नीड एन एडवांस्ड मंथली सैलरी। बोलें, We should try to keep up with the advancing technology. बोलें, Next word है जी advanced, जो बढ़ चुका है, जो develop हो चुका है। ठीक है जी, advanced का meaning होता है उन्नत, आला दर्जे की या फिर तरक्की याफ्ता, जिस तरह advanced countries जो कि टेक्नोलॉजी में आगे हैं, ह्यूमन इंडेक्स में आगे हैं, हैप्पीनेस में आगे हैं, तो उनको हम एडवांस्ड कंट्रीज़ कहेंगे। एग्जांपल, ऑस्ट्रेलिया इज़ एन एडवांस्ड कंट्री। ऑस्ट्रेलिया एक तरक्की याफ्ता देश है, मुल्क है। द आर्मी एडवांस्ड टूवर्ड्स द एनिमीज लाइन। अब यहाँ पे हम पास्ट टेंस में एडवांस को यूज़ करें कि आर्मी जो है वो दुश्मन की सत्रों के साथ दुश्मन की लाइंस की तरफ बढ़ी। ही एडवांस्ड इन हिज कैरियर, यानी कि उसकी तरक्की हो गई। पहले वो असिस्टेंट मैनेजर था, अब मैनेजर बन गया, तो हमने कहा कि वो अपने पेशे में आगे बढ़ा। मेरे साथ बोलिएगा, ऑस्ट्रेलिया इज एन एडवांस्ड कंट्री। बोलें, द आर्मी एडवांस्ड टूवर्ड्स द एनिमीज लाइन। बोलें, ही एडवांस्ड इन हिज कैरियर। बोलें, वर्ड है एडवांटेज, मीनिंग फायदा। डोंट टेक एडवांटेज ऑफ समवंस वीकनेस, किसी की कमजोरी का फायदा ना उठाओ। बैड लाइट गेव आवर ओपोनेंट्स एडवांटेज, हम क्रिकेट खेल रहे थे, क्रिकेट में हम हारे क्यों, क्योंकि बुरी रोशनी, यानी कि रोशनी मध्यम थी, बुरी रोशनी ने हमारे मुखालफिन को फायदा दिया। You should take advantage of this opportunity. आपको इस opportunity से फ़ायदा उठाना चाहिए। मेरे साथ बोलिएगा, Don't take advantage of someone's weakness. बोलें, Bad light gave our opponents advantage. You should take advantage of this opportunity. बोलें,
बिल्कुल ठीक। वर्ड है एडवेंचर। एडवेंचर का मीनिंग होता है साहसिक या फिर मुहिम जोई। यहाँ पे मैंने कहा आई लव टू गो टू सफारी एडवेंचर, मुझे सफारी की मुहिम जोई जोई पर जाने का बहुत शौक है। आई लव एडवेंचर्स, मुझे एडवेंचर्स से प्यार है। आर यू लुकिंग फॉर एन एडवेंचर, क्या आप एडवेंचर ढूंढ रहे हैं? यानी कि लेट्स गो, फिर हम हाइकिंग पे चलते हैं, रिवर राफ्टिंग पे चलते हैं, जंगल में चलते हैं, ठीक है? तो इसलिए जब आपने अपने किसी दोस्त को कहीं पे एक्साइटिंग जगह पे लेके जाना हो तो आप पूछ सकते हैं आर यू लुकिंग फॉर एन एडवेंचर। मेरे साथ बोलिएगा आई लव टू गो टू सफारी एडवेंचर। आई लव एडवेंचर्स। आर यू लुकिंग फॉर एन एडवेंचर? बिल्कुल ठीक। एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग यानी कि जो इश्तेहारात वगैरह लगाते हैं न्यूज़पेपर में, टीवी पे चलते हैं, सोशल मीडिया पे चलते हैं, वो सारे जो एड्स चलते हैं वो एडवर्टाइजिंग का हिस्सा होते हैं। और एडवर्टाइजिंग आप एक एज अ प्रोफेशन को भी देख सकते हैं, एडवर्टाइजिंग कैंपेन भी हो सकती है, ठीक है? और एडवर्टाइजिंग से आप एड्स लगाते हैं या एडवर्टाइजमेंट करते हैं। यहाँ पे हमने कहा टीवी चैनल्स मेक अ लॉट ऑफ मनी फ्रॉम एडवर्टाइजिंग। टीवी के चैनल्स इश्तेहारात से बहुत सा पैसा कमाते हैं। ही वर्क्स इन एन एडवर्टाइजिंग एजेंसी। वो एक एड एजेंसी में काम करता है। दे आर एडवर्टाइजिंग देयर प्रोडक्ट्स एग्रेसिवली। वो बहुत ही एग्रेशन के साथ, बहुत ही मतलब बहुत ज़्यादा पैसा खर्च कर रहे हैं और मार्केट में अपने प्रोडक्ट्स को एडवर्टाइज कर रहे हैं। मेरे साथ बोलिएगा टीवी चैनल्स मेक अ लॉट ऑफ मनी फ्रॉम एडवर्टाइजिंग। बोलें ही वर्क्स इन एन एडवर्टाइजिंग एजेंसी। बोलें दे आर एडवर्टाइजिंग देयर प्रोडक्ट्स एग्रेसिवली। बोलें बिल्कुल ठीक। वर्ड है जी एडवाइस, ADVICE एडवाइस। और इससे नेक्स्ट वर्ड है एडवाइज, ADVISE एडवाइज। इसमें जेड की आवाज़ आती है जबकि एडवाइस में एस की आवाज़ आएगी। इसकी स्पेलिंग है ADVICE। ये दोनों वर्ड्स मैंने आपको इसलिए बताए हैं क्योंकि इसमें हम आमतौर पे कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए गौर से सुनिएगा। एडवाइस जो होता है वो सलाह को या मशवरे को कहा जाता है, ठीक है? और ये नाउन के तौर पे यूज़ होता है, जबकि एडवाइज जो काम वर्ब के तौर पे आप यूज़ करते हैं, मशवरा देना, सलाह देना, वो एडवाइज होता है। एडवाइस को देख लेते हैं। आई विल एक्ट अपॉन योर एडवाइस। मैं आपके मशवरे पर अमल करूँगा। शी गेव मी अ गुड पीस ऑफ एडवाइस। उसने मुझे अच्छी सलाह दी। ही नीड्स योर एडवाइस। उसको आपके मशवरे की ज़रूरत है। मेरे साथ एक दफ़ा बोलें आई विल एक्ट अपॉन योर एडवाइस। बोलें शी गेव मी अ गुड पीस ऑफ एडवाइस। बोलें ही नीड्स योर एडवाइस। बोलें वर्ड है जी एडवाइज,
एडवाइस का मीनिंग अब है सलाह देना, मशवरा देना, वर्ब के तौर पे ये यूज़ हो रहा है। जैसे कि मैं आपको कहूँगा कैन यू प्लीज़ एडवाइज मी, क्या आप मुझे मशवरा दे सकते हैं। आई वॉज एडवाइज्ड बाय माई फादर नॉट टू ट्रस्ट हिम, मुझे मेरे अब्बू ने मशवरा दिया कि उसे उस पर ट्रस्ट ना करूं, उस पर भरोसा ना करूं। वॉट वुड ही एडवाइज, वो क्या मशवरा देगा यार, उसको तो खुद नहीं पता। मेरे साथ बोलिएगा कैन यू प्लीज एडवाइज मी। आई वॉज एडवाइज्ड बाय माई फादर नॉट टू ट्रस्ट हिम। वॉट वुड ही एडवाइज बोले, बिल्कुल ठीक। अब देखें एडवाइज से ही निकला एडवाइज़र। एडवाइज़र के स्पेलिंग ए डी वी आई एस सी आर भी हो सकते हैं और अमेरिकन इंग्लिश में ए डी वी आई एस ओ आर भी होते हैं। तो एडवाइस करने वाले को यानी कि मशवरा देने वाले को हम कहते हैं एडवाइज़र, सलाहकार या फिर मुशीर। जैसा कि ही इज़ एन आई टी एडवाइज़र टू द मिनिस्टर, वो वज़ीर का आई टी एडवाइज़र है। आई टी से रिलेटेड वज़ीर को मशवरे देता है। He is my MBA's thesis advisor. ये जो प्रोफेसर है वो मेरे MBA thesis के advisor हैं। I was appointed as an advisor. मुझे इस advisor के तौर पर appointment मिली, यानी कि मुझे नौकरी मिली। मेरे साथ एक दफ़ा बोलें He is an IT advisor to the minister. He is my MBA's thesis advisor. I was appointed as an advisor. बिल्कुल ठीक। Next word दोस्तों हमारे पास है advocate. Advocate जो है वकील को कहा जाता है, जिस तरह judicial system में वकील आपको represent करता है जज के सामने। इसके अलावा भी एडवोकेट हम आमतौर पे उस वक्त यूज़ करते हैं जिस तरह मैं एनवायरनमेंट के बचाने के बारे में बात करता हूँ, तो मैं उस सूरत में एडवोकेट कहला सकता हूँ। लेकिन प्रोफेशन के तौर पे एडवोकेट वकील को कहा जाता है। देखते हैं कुछ सेंटेंसेस। शी इज़ एन एडवोकेट इन अ लोकल कोर्ट, लोकल कोर्ट में मकामी अदालत में वकील है। He advocated for human rights. वो human rights, इंसानी rights के बारे में बातें करता था, यानी कि उसने बातें की। Her father was a successful advocate. उसके अब्बू एक कामयाब वकील थे। मेरे साथ बोलिएगा She is an advocate in our local court. बोलें Sorry. He advocated for human rights. बोलें Her father was a successful advocate. बोलें बिल्कुल ठीक। नेक्स्ट वर्ड है अफेयर। अफेयर मामला, मामले को कहते हैं, या फिर जिस तरह आप लड़के लड़की का अफेयर चल रहा हो या कोई काम चल रहा हो तो उसको भी हम अफेयर कहते हैं। अफेयर्स या किन अफेयर्स में फंसे हुए हो, किन कामों में फंसे हुए हो, आजकल क्या कुछ कर रहे हो, उस वक्त भी हम अफेयर्स कहते हैं। इसी तरह करंट अफेयर्स जो आजकल हो रहा है उसको के बारे में इंफॉर्मेशन हो आपको, तो आप करंट इन अफेयर्स इंफॉर्मेशन आपके पास है। कुछ सेंटेंसेस देखते हैं। हाउ इज़ योर अफेयर गोइंग, तुम्हारा अफेयर कैसा चल रहा है। डोंट इंटरफेयर इन माई अफेयर्स, मेरे कामों में मुदाखलत ना
karo. He is having an affair. Uska affair chal raha hai. Mere saath ek dafa boliyega. How is your affair going? Bolein. Don't interfere in my affairs. Bolein. He is having an affair. Bolein. बिल्कुल ठीक दोस्तों. अब टाइम हुआ है छोटे से टेस्ट का. टेस्ट के तौर पे आपने आज जो हमने वर्ड्स सीखे हैं उनमें से दो वर्ड्स को सेलेक्ट करना है. उनके दो छोटे छोटे सेंटेंसेस बना के नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स में पोस्ट करना है. अगर उनमें कोई गलती हुई तो मैं आपको चेक करके बताऊँगा कि क्या गलती है. इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें. मैं हूँ आईफेक्ट. ना मिलूंगा आपसे कौन है वीडियो ट्यूटोरियल में. अंटिल देन टेक केयर, कीप लर्निंग, कीप एंजॉयिंग. गुड डे.